अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, खुशी आर्ट क्राफ्ट में आज मैं आपको जाइंट फ्लावर की डेकोरेशन और आइडिया दूंगी कि आप किस तरह से इस तरह के फ्लावर से अपने रूम को डेकोरेट कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये जितने भी आपको फ्लावर हमारे रूम में नज़र आ रहे हैं, इन तमाम फ्लावर की वीडियोस आप मेरे इसी चैनल में देख सकती हैं। इनको बनाने का तरीका कि ये किस तरह से बनते हैं और किस किस तरह से इनको बनाया जाता है, किस तरह शेड दी जाती है, साइज और इस तरह का पेपर कटिंग करने का टोटल तरीका, इजी मेथड, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, खुशी आर्ट क्राफ्ट को। इसमें आपको हर तरह के फ्लावर की डिज़ाइनिंग बनाने का तरीका, रिबन फ्लावर मेकिंग, पेपर फ्लावर मेकिंग, इसके अलावा जितने भी आप फ्लावर आपके माइंड में आते हैं बनाने के तरीके आप मेरे चैनल में देख सकती हैं। और इसके अलावा डेकोरेट करने के तरीके कि आप रूम को कैसे डेकोरेट कर सकती हैं और इस तरह रूम को मज़ीद खूबसूरत बना सकती हैं। ये देखें व्यूअर्स, मेरी बेटी समरा मकबूल ने जॉइंट फ्लावर बनाकर अपने रूम को डेकोरेट किया है। इसमें बटरफ्लाई और लाइट्स को लगा कर वॉल बहुत ही खूबसूरत बनाई है। आप देख सकती हैं इसमें आप पर्दों का इस्तेमाल कर रूम की अगर कोई दीवार आपकी रफ़ हो गई हो तो उसे इस तरह से खूबसूरत बना सकती हैं। तो व्यूअर जी, आज मैंने आपको अपने रूम का एक आइडिया दिया है इसको डेकोरेट करने का, ताकि आप अपने चैनल की जब वीडियो बना लिया करें जॉइंट फ्लावर की, तो उन फ्लावरों को आप अपने रूम में इस तरह से डेकोरेट कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, ये आइडिया अच्छा लगेगा कि खुशी आर्ट क्राफ्ट ने आज आपको एक ऐसा ट्यूटोरियल दिया है जिसमें आप जॉइंट फ्लावर बनाने के बाद इनको अपने रूम में डेकोरेट कर सकती हैं। और जो बच्चे इस तरह के आर्ट क्राफ्ट के शौकीन हैं वो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इसमें आपको आर्ट से मुतलका, क्राफ्ट से मुतलका बेबहा वीडियोज़ मिलेंगी, आइडियाज़ मिलेंगे कि आप किस तरह से हर तरह की वीडियो क्राफ्ट की बना सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।